वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इट्स मी विकास दास, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। तो गाइस, बहुत दिनों से हम आगे मूव नहीं कर पा रहे थे, बीच में कोरोना के सिलसिले में लॉकडाउन भी हो गया, फिर बीच में रक्षाबंधन भी आ गई, तो त्यौहार के सिलसिले में भी आगे क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो बहुत दिनों के बाद आज हमारी क्लासेस कंटिन्यू होने वाले फिर से, और आज इतने दिनों के बाद आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि इस टॉपिक से लाइव प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, होता किन किन में है, किस वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारी की सारी बातें आज हम पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है वो ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दोनों के साथ एक साथ डील कर रहा है, तो इसमें दो यहाँ पर टॉपिक्स बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक बनता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। ठीक है गाइस, एंड सेकेंड टॉपिक इज जो ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों वो ह्यूमंस में किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में किस तरीके से होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में किस तरीके से होता है। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि आगे हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में और ह्यूमंस में करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो प्लांट्स में हमने जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो दो तरीके का पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमने पढ़ना है कि प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है गाइस, एंड सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्लांट में किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टॉपिक आज हम समअप करेंगे, ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे आज हम। और जो अगला टॉपिक है ह्यूमंस, इसमें तो आपको क्लियरली पता ही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो ह्यूमंस में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में वो ब्लड की वजह से होता है। तो ह्यूमंस में हमने ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है उसके बारे में पढ़ना है, ब्लड किन किन ट्यूब्स में फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उसके बारे में पढ़ना है। देन हम इसके बारे में जो इसका जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे समअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम इससे समअप करेंगे। तो आज के लिए जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है वाटर और मिनरल्स और फूड का। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमंस वाले पार्ट का आज कोई काम नहीं है, ये हम नेक्स्ट दिन के लिए रखेंगे, तो ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला पार्ट उठाऊंगा यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं किस तरीके से होता है प्लांट्स में। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है गाइस, अब देखो दोस्तों, प्लांट्स में वाटर एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा, हमने सेकंड लेक्चर में कर लिया था फोटोसिंथेसिस में जब हम पढ़ रहे थे। और मिनरल्स भी बहुत एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्लांट जो है अपनी ग्रोथ शो करता है, प्लांट ग्रो होता है। ठीक है दोस्तों, तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि वाटर नहीं होगा तो चल जाएगा काम, मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब भी प्लांट का काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है, अपनी ग्रोथ शो करता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिनरल्स को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस होती है, मिनरल्स को यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ होती है, डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बनते हैं, और मिनरल्स नहीं होगा तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से वाटर और मिनरल्स ये दोनों ही इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं, यहाँ पे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन से। अब याद रखिएगा एक पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, टिश्यूज होती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। ठीक है दोस्तों, कुछ टिश्यूज होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कार्डियक मसल्स और कार्डियक टिश्यूज होती हैं जिसका काम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू है जिसका काम है न्यूरॉन्स का बनाना या ब्रेन का एक्टिविटी को परफॉर्म करना, वैसे ही प्लांट के अंदर एक टिश्यू है जिसका नाम है जाइलम। याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम टिश्यू का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, जाइलम टिश्यू का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब ये किस तरीके से होता है मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर दो मैकेनिज्म है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, एंड सेकेंड वन इज रूट प्रेशर।
थ्योरी, सेकंड वन इज रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्लांट में जाइलम टिश्यू की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो होता है, ये तो चलो सही है। जेके एसएसबी में ये वाला सवाल तो बहुत इजीली आ सकता है कि प्लांट में कौन सी ऐसी टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, तो आप लिखेंगे जाइलम टिश्यू। वैसे ही अगर दूसरी तरफ आपको सवाल चेंज करके आ जाए कि प्लांट में कौन सी ऐसी टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है दोस्तों, उसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो है, उस पर हम तब आएंगे, अभी हम जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं पूरा। तो दोस्तों ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो प्लांट का बचा हुआ वाटर होता है, ठीक है दोस्तों, जो बचा हुआ वाटर कंटेंट होता है वो लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू बाहर ट्रांसपायर कर जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स को हम पढ़ेंगे आज। तो मैं आपको यहां पर एक नॉर्मल सा प्लांट बना के बता देता हूं। मान लो मैं एक ट्री बना रहा हूं आपके लिए, बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, ये मैंने बना दिया आपके लिए रूट, क्योंकि आपको पता होगा जब हम प्लांट को पानी दे रहे होते हैं तो रूट्स में देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो रूट से ही अब्सॉर्ब होके ऊपर जाने वाला होता है। तो जैसे ही रूट से कोई भी वाटर या मिनरल अब्सॉर्ब होगा वो ऊपर जाएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्री की डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने ट्री का शूट वाला पार्ट बनाया है और ये वाला पार्ट जो है ये रूट वाला पार्ट बनाया है। अब मैं क्या करके बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि लीव्स, ये जो आपको पता है पूरा का पूरा जो ट्री है वो सेल्स का बना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सेल्स को बॉक्सेस के शेप में आपको बता देता हूँ कि हर एक पार्ट में सेल्स हैं। तो अब किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपीरेशन के बाद वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा का पूरा जो ट्री है वो कुछ सेल से बना हुआ, तो वो सेल्स को मैं इस बॉक्सेस के शेप में बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या होता है, यहां पर वाटर प्लस मिनरल्स यहां पर बाहर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। अब इस पार्ट में अभी वाटर और मिनरल होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये वाला पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं जो आपको यहां पर हेल्प करेगा। इस कंसेप्ट का नाम है दोस्तों ऑस्मोसिस, ठीक है दोस्तों। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है जब कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है दोस्तों, सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में वाटर कंटेंट फ्लो करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में वाटर कंटेंट जो है वो फ्लो करता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। हमेशा नेचर का रूल है कभी भी हायर कंसेंट्रेशन से जो भी कोई भी चीज़ है वो फ्लो हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ही करेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टैंकी है, टैंक है, जो वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक जो है उसका लेवल यहाँ तक भरा हुआ है और एक वाटर टैंक का यहाँ पर, और ये बीच में एक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए, तो आपको क्लियर इंडिकेट हो रहा होगा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर का फ्लो होना चाहिए यहाँ पे। तो ज़्यादा पानी से कम पानी जगह पे होगा और तब तक होगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाते। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, और इसी प्रोसेस को ही तो ऑस्मोसिस कहते हैं दोस्तों। तो ये आपने एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेना, अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक और बार ज़रूर समझा दूंगा। आई होप आपको समझ आ गया, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर इस सेल के पास वाटर कंटेंट अभी फिलहाल के लिए मानते हैं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसपीरेशन होगा तो आपको मैंने बताया था एक्सेस वाटर जो है वो बाहर फ्लो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब वाटर का कंटेंट बाहर फ्लो होने की वजह से यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अगर वाटर का कंपैरिजन करें सारे सेल्स में तो इस सेल में सबसे कम वाटर का कंसंट्रेशन होगा गाइस। तो यहां पर ये जो जोन बना ये बन गया लो प्रेशर जोन, और उसके साथ वाला जो सेल है वो हाई प्रेशर है, और सारे के सारे सेल अभी हाई प्रेशर है। तो अब क्या होगा, नेचर के रूल के हिसाब से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर जो है वो फ्लो करेगा, और यहाँ से वाटर जो है वो यहाँ फ्लो कर जाएगा। अब ये जब वाटर यहाँ आ जाएगा ये तो हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई कंसंट्रेशन जोन बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो अब सेल है ये लो कंसंट्रेशन बन जाएगा। सेम इसके लो कंसंट्रेशन को फुलफिल करने के लिए ऑस्मोसिस होगी और यहाँ से पानी उठ के यहाँ जाएगा। अब ये हाई कंसंट्रेशन बन जाएगा, ये लो वाला लो कंसंट्रेशन बन जाएगा। सेम ये जब लो बनेगा तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा इस तरफ इस सेल में, तो जब ये लो कंसंट्रेशन वाला सेल था वाटर यहाँ पर आ गया, ये हाई कंसंट्रेशन बन गया, ये लो बन गया। सिमिलरली सारे सेल्स में ऐसे होगा, और जब बात यहाँ पर आएगी ये लो कंसंट्रेशन होगा जब
इस सेल तक बात आएगी, बाहर वाले सेल तक। जब ये लो कंसंट्रेशन होगा तो ये यहाँ का वाटर यहाँ फ्लो होगा, ये हाई कंसंट्रेशन बन जाएगा। अब ये लास्ट वाला सेल लो कंसंट्रेशन जोन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला सेल की, ये जो रेड वाला सेल बनाया ये लो कंसंट्रेशन जोन बनाया मैंने अभी, ये लो कंसंट्रेशन जोन है। अब इसको फुलफिल करने के लिए, ताकि इसका लो कंसंट्रेशन जो है हाई कंसंट्रेशन में तब्दील हो जाए, बदल जाए और बराबरी हो जाए इसके साथ, तो इसके लो कंसंट्रेशन को पूरा फुलफिल करने के लिए, हाई कंसंट्रेशन बनाने के लिए, बाहर से ये जो वाटर और मिनरल यहाँ पर आपने सॉइल में दे रखे हैं ना दोस्तों, तो ये बाहर से ये जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ फ्लो हो जाएंगे दोस्तों। अब आपने देखा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक सेल से पानी जो है वो बाहर गया, लो कंसंट्रेशन बना, पहले वाले सेल में हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पर वाटर फ्लो हो गया। अब ये वाला जो सेल है ये हाई कंसंट्रेशन है, नीचे वाला लो कंसंट्रेशन। इस तरीके से फ्लो होते होते एंड वाले सेल में जब पहुंचा, तो एंड वाला सेल जब लो कंसंट्रेशन था तो रूट्स में, रूट्स के बाहर पानी था, पानी जो है अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि अंदर लो कंसंट्रेशन वाला एटमॉस्फेयर बन चुका है दोस्तों। तो लो कंसंट्रेशन वाला एटमॉस्फेयर जब बन चुका था, यहाँ से बाहर से पानी अंदर फ्लो हुआ और बाहर से पानी अंदर फ्लो हुआ हाई कंसंट्रेशन में, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये जो ऑस्मोसिस हुई, इसकी वजह से अब आपके सामने है कि रूट से पानी की बाहर, सॉइल से पानी रूट्स में जा चुका है, अब ऐसे ही इसी प्रोसेस से रूट से पानी ऊपर लीव्स तक भी पहुंचेगा, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला वाटर एंड मिनरल्स का तरीका था ट्रांसपिरेशन से। इस थ्योरी को जो मैंने बताया, इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। ये तो मैंने नॉर्मल ट्रांसपिरेशन लिख के बता दिया कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू कैसे होता है, इस पूरी की पूरी थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है आपको, इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं, आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा जी, अगला पार्ट है रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है दोस्तों, रूट प्रेशर थ्योरी थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा। अब जिस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर स्टोमेटा के लीव्स पे जो सेल थे, स्टोमेटा के जो सेल्स थे, स्टोमेटा का जो पार्ट था, उसने पानी को लॉस करा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो गया दोस्तों पॉसिबल। अब यहाँ पर रूट प्रेशर थ्योरी, आपको पता चल रहा होगा कि रूट ने कोई ना कोई काम करना है, रूट से कोई ना कोई एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल सा एक रूट की डायग्राम बना के बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मैंने रूट बना दिया, आपको पता होगा रूट है तो रूट के साथ साथ रूट हेयर्स भी होते हैं। ये मैं रूट हेयर्स बना देता हूँ थोड़े थोड़े। ठीक है दोस्तों, ये रूट है, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रूट, और ये जो साथ में पार्ट है इसको बोलेंगे रूट हेयर्स, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होगा दोस्तों, रूट के आगे पीछे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब वाटर भी है और मिनरल्स भी हैं। अब दोस्तों जो लिक्विड वाला पार्ट होता है सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर जो है यहाँ पर हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है जो यहाँ पर मिनरल्स हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो आप तो यहाँ पर नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से जब हम पानी देंगे रूट के आगे पीछे, वाटर और मिनरल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मिनरल है यहाँ पर हमारा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर भी है मिनरल भी है। अब रूट क्या करता है, देखिए दोस्तों रूट का नॉर्मल सा फंक्शन है, रूट क्या करेगा, रूट प्लांट से, प्लांट का जो जाइलम है उसके थ्रू अपना एटीपी मॉलिक्यूल खर्च करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एटीपी मॉलिक्यूल, आपको मैंने बताया था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये जब हम रेस्पिरेशन कर रहे थे हमने तब एनर्जी के कंसेप्ट में एटीपी पढ़ा था, अभी तक ये सारा लिंक ही चल रहा है, तो आपको एटीपी आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखिए। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल प्लांट का जो एनर्जी है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट इस टाइम, तो एटीपी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल एक कंज्यूम करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रूट का जो भी पानी है, ठीक है दोस्तों, ये जो रूट का जो भी पानी है, ये जो रूट का जो भी पानी है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रूट का जो भी पानी है इसके लेवल में फर्क की वजह से ये जो बाहर का वाटर और मिनरल है रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, एक एटीपी खर्च करवा के वो क्या करेगा, बाहर के वाटर और मिनरल्स को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है दोस्तों, जब अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगा वाटर और मिनरल, तो रूट की वजह से क्या होगा, रूट एटीपी यूटिलाइज करके इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये नॉर्मल रूट प्रेशर थ्योरी था, जिसमें रूट ने एटीपी कंज्यूम करके पानी और मिनरल्स के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ पहुंचा दिया लीव्स की तरफ।
अब यहां पर एक बहुत छोटा सा सवाल है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करा है, दोनों कंसेप्ट में पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको एग्जामिनेशन में आप स्टक ना हो जाओ, क्योंकि बहुत ईजी है। आपने देखा होगा जब भी वाटर और मिनरल का कंसेप्ट आया, मैंने हमेशा ट्रांसपोर्टेशन रूट से ऊपर की तरफ की, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, बिल्कुल नहीं। हमेशा जब भी वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है ना दोस्तों, तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर, डाउन से अप, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके की वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा, पेपर में भी आ सकता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा, इस तरीके की वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है गाइस? तो ये हमारा सारा का सारा जो टॉपिक है वाटर और मिनरल्स का, वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं आगे मूव करता हूँ, जिसको नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को ज़रूर बता सकता है। अभी के लिए फिलहाल ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सबसे पहले तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, एक या दो ऑब्जेक्टिव बता देता हूं दोस्तों। फूड की ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का एक नाम है, इसका नाम है ट्रांसपीरेशन। वैसे ही फूड की ट्रांसपोर्टेशन का एक नाम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मेरे लिखने से पहले, ट्रांसलोकेशन, ठीक है दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अच्छा, एक डायग्राम से आपको एक और पार्ट क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल, ये प्लांट बना रहा हूं मैं, ये लीफ है, फूड यहीं पर बनना है, अब दोस्तों ये जो है, सॉरी, ये वाला जो है ये हमारा लीफी पार्ट है, ग्रीन वाला, जहां पर फोटोसिंथेसिस होने वाली है। तो हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है फूड, या सुक्रोज बोल सकते हैं। तो वो सुक्रोज जो लीफ पे बनेगा, वो यहाँ से मान लो किसी भी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना है, तो लीफ से नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन पार्ट्स, ठीक है दोस्तों? फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो नॉन ग्रीन पार्ट तो दोस्तों ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है दोस्तों? जैसे उसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट था ना वाटर मिनरल्स का दोस्तों, वैसे ही फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वर्ड है, उसका नाम है बायडायरेक्शनल मूवमेंट, बायडायरेक्शनल मूवमेंट या बायडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी जल्दी से वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं हम। अच्छा, ये मैंने बना दिया फ्लोएमिक टिश्यू, ठीक है दोस्तों, ताकि थोड़ा सा आपको, और ये साथ में मैंने बना दिया जाइलम टिश्यू, ठीक है दोस्तों? अब ये जो ब्लू कलर की लाइन से मैंने बनाया ना, उसका नाम है जाइलम, ठीक है दोस्तों? और ये जो ब्लैक कलर का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, उसका नाम है फ्लोएम। अब जाइलम टिश्यू में आपको मैंने बताया था वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम टिश्यू की हेल्प से, वैसे ही फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से टिश्यू होता है, उसका नाम है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो लीफी पार्ट के साथ ही होता है, ठीक है दोस्तों? अब आप देखिएगा कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, बहुत इजी। अब देखिए दोस्तों, अब लीफ पे सुक्रोज का मॉलिक्यूल मान लो बन चुका है, अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है पूरे प्लांट में, तो अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। प्लांट अपना एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा, ठीक है दोस्तों? और जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लीव्स से फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है दोस्तों? ये तो आपको कंफर्म समझ आ गया होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा मतलब प्लांट अपना एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा, एनर्जी का थोड़ा सा कंटेंट कंज्यूम करेगा, और लीव्स से फ्लोएम में फूड जो सुक्रोज बना होगा उसको ट्रांसफर कर देगा। अब मान लो यहां पर फूड के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है दोस्तों? अब यहां पर फूड आ गया, ठीक है? अब क्या होगा,
यहां पर फूड आने की वजह से, इससे पहले एक टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैंने बोला था, यहां पे यहां लिख देता हूं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब इस जगह आपको दिख रहा होगा प्लांट जो हमेशा एनर्जी सेव करके रखता है ना दोस्तों, प्लांट का एक अपना फीचर है कि प्लांट हमेशा एनर्जी सेव करके रखता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी सेव कर लेता है, सारी एनर्जी अपने अंदर बचा लेता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दोनों पार्ट में भी, रूट प्रेशर थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको जिक्र किया कि एक ATP उसने कंज्यूम करा था, और जब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बता रहा हूँ तब भी मैंने आपको बताया कि एक ATP कंज्यूम हुआ है लीव से फ्लोएम में फूड पहुँचाने के लिए। तो इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन जिसमें प्लांट अपनी एनर्जी कंज्यूम करे उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, या और इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन जिसमें प्लांट अपनी एनर्जी कंज्यूम ना करे उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों याद रखिएगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन इस तरीके से होगी, द ट्रांसपोर्टेशन शोन बाय द प्लांट्स इन विच इट कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इस तरीके से डेफिनेशन आप देख लेना। तो प्रोसेस में आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक फूड के मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पर आगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ये फूड है, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, फूड के मॉलिक्यूल आ गए हैं। अब फूड का मॉलिक्यूल यहाँ आने की वजह से दो चीज़ें होने वाली हैं, फ्लोएम के अंदर का मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ फ्लोएम के अंदर क्या होने वाला होगा। फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम, फ्लोएम के अंदर फूड आने की वजह से, ठीक है दोस्तों, फ्लोएम के अंदर फूड आने की वजह से वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो डाउन हुआ है, क्योंकि सॉल्यूट वाला पार्ट ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन डाउन हुआ है गाइस। अब यहां पर जो है वाटर का कंसंट्रेशन सिर्फ इस पोर्शन में जहां पर फूड गया है वहां पर डाउन हुआ है, और ये जगह इस टाइम के लिए बन गई है लो प्रेशर जोन। इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर डाउन हुआ है क्योंकि फूड ज्यादा आ गया, तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया क्योंकि फूड ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो वाटर का कंसंट्रेशन डाउन हो गया क्योंकि सॉल्वेंट कम है, यहाँ पर सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये बन गया लो प्रेशर जोन या लो कंसंट्रेशन जोन। इसके साथ में फ्लो कर रही है जाइलम, तो जाइलम तो जाहिर सी बात है जाइलम में आपको पता है वाटर फ्लो हो रहा होगा अच्छा खासा, क्योंकि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जाइलम का है दोस्तों। तो यहाँ से जो वाटर है, अब यहाँ पर क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है तो ये हाई प्रेशर जोन है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता होगा यहाँ से जो वाटर है, अब क्योंकि अब पूरा का पूरा फ्लोइंग जो है वो लो प्रेशर जोन बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ का वाटर जो है जाइलम का वो जाइलम से फ्लोइंग में शिफ्ट होगा दोस्तों। अब फ्लोइंग में शिफ्ट होने की वजह से फ्लोइंग क्या बन गया, हाई प्रेशर जोन। फ्लोइंग का ये वाला पार्ट क्या बन गया, हाई प्रेशर जोन, और नीचे वाला पार्ट क्या है, लो प्रेशर जोन, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या बन गया, लो प्रेशर जोन। तो ये जो है पानी के साथ साथ अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करने की वजह से फूड भी साथ साथ फ्लो हो रहा होगा दोस्तों, फूड भी साथ साथ फ्लो हो रहा होगा, और रास्ते में जहां जहां लो प्रेशर जोन आएंगे, क्योंकि अब यहां पर फूड है, अब ये हाई प्रेशर जोन बन गया है, अब जहां जहां लो प्रेशर जोन आएंगे, जैसे मान लो अब ये जगह है जहां पर आपको फूड की जरूरत है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है मान लो, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट है, तो इसका इस जगह में लिख लेता हूँ सिंक, वो मैं क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये नॉन ग्रीन पार्ट है दोस्तों, तो यहां से क्या होगा, ये जो फूड है ये फ्लो कर जाएगा सिंक की तरफ, ठीक है दोस्तों, और सिंक की अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी, फूड इसी मैकेनिज्म से ट्रांसफर हो जाएगा बाकी पार्ट्स में। अब हुआ क्या, पहले यहां पर फूड आया, एक ATP खर्च करके फूड आया, ये बन गया लो प्रेशर जोन, यहां से वाटर फ्लो हुआ जाइलम से फ्लोएम में, ये बन गया हाई प्रेशर जोन, नीचे वाला लो प्रेशर जोन, नीचे की तरफ फ्लो होने लगा फूड जब नीचे की तरफ फ्लो होने लगा, जहां जहां लो प्रेशर जोन था वहाँ वहाँ फूड जो है ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल फ्लो भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंक की, जो मैंने यहाँ सिंक लिखा है, इसी के लिए एक और वर्ड है इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सोर्स, ठीक है दोस्तों। अब एक थ्योरी है ट्रांसलोकेशन को लेकर जो बोलती है कि सोर्स आप देख रहे होंगे, सोर्स वो जगह है जहाँ पर कोई चीज़ बनती है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल चीनी कहाँ बनती है, चीनी बनती है मिल्स में, तो वो उसका सोर्स है, ठीक है दोस्तों। चीनी बनती है गन्ने से, तो गन्ना उसका सोर्स है, तो जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है वो उसका सोर्स है। तो खाना यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो लीफी पार्ट है वो सोर्स है, और जहाँ पर खाना चाहिए वो हर पार्ट यहाँ पर सिंक है। तो आपने देखा कि फ्लोएम टिश्यू की वजह से बाय डायरेक्शनल फ्लो हो जाने की वजह से लीफ से किस तरीके से नॉन लीफी नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो गया,
और सोर्स से फूड जो ट्रांसफर हुआ वो सिंक में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जिसमें फूड ट्रांसफर होता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू, इस तरीके के रिलेशनशिप को हम सोर्स सिंक रिलेशनशिप भी बोलते हैं दोस्तों, सोर्स सिंक रिलेशनशिप, ठीक है दोस्तों, सोर्स सिंक रिलेशनशिप। तो ये जो था ये आपका टॉपिक था आज का, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, जिसमें हमने वाटर मिनरल्स और फूड के बारे में पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। आई होप आपको सारा का सारा समझ आया होगा। जिस जिसको कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। और JKSSB में जो भी सवाल आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो या बायडायरेक्शनल फ्लो के ऊपर सवाल आ सकता है, सोर्स सिंक रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन को बोलते हैं, जाहिर सी बात है ये सवाल आ सकता है, या तो ATP अगर कंज्यूम हो तो उस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, तो इस तरीके का सवाल आ सकता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाती है या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तो ये इस तरीके के सवाल आपको JKSSB में पूछ सकते हैं वो, और बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, काफ़ी 10-15 मिनट का टॉपिक रहा होगा आई थिंक। तो आप अगर इसको रिवाइज करेंगे, अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तब तक स्टे ट्यून्ड।